राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहिए था। पन्ना जिले के बरहा छोटा गांव में शासकीय प्राथमिक शाला में गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्र ध्वज उल्टा फहराया गया। ध्वजारोहण गांव के ही पूर्व सरपंच की ओर से किया गया था। विद्यालय की प्रभारी साहब शिक्षक सोना पटेल द्वारा लापरवाही बरती गई, जिसके बाद ग्रामीण द्वारा इसकी निंदा कर राष्ट्र ध्वज को सीधा कर लगाया गया है। जब मीडिया ने विद्यालय प्रभारी सोना पटेल से इस संबंध में बातचीत की तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए इसका सारा दोष उपस्थित जनों पर ही मर दिया। अब मुझे आप ही की मीडिया के द्वारा पता चला, तो मैंने अपने सीएसी को भेज के वहाँ पता किया है, और यदि ऐसा है तो मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूँगा और उनसे नोटिस दूंगा, जवाब लूंगा, नोटिस देके जो कुछ भी जवाब आता है वरिष्ठ कार्यालय को भेज के आए उनकी कार्रवाई के लिए। दूसरी ओर खासरोड में भी कांग्रेस महासचिव दिलीप सिंह गुर्जर और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनोखी लाल सोलंकी ने शहीद पार्क पर दीप जलाकर वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर कांग्रेस के नेताओं ने मौजूदा व्यवस्था पर तंज कसा और मध्य प्रदेश कांग्रेस महासचिव दिलीप सिंह गुर्जर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लगातार लोकतंत्र को दबाने की कोशिश की जा रही है।